हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। आप सबको मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक ऐसा सोलर वॉच का रिव्यू करने वाला हूं जो वन ऑफ द चीपेस्ट सोलर वॉच है आज के दिन में इंडिया में जो मिल रहा है, और ये बना है सिटीजन का टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके। सो जो सोलर पैनल यूज़ हुआ है, जो मूवमेंट यूज़ हो रहा है, और जो बैटरी यूज़ होता है, जो एंट्री लेवल के इको ड्राइव सिटीजन वॉचेस है उस पर भी आपको सिमिलर टेक्नोलॉजी दिखने वाला है। पर ये सिटीजन वॉच नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ फॉसिल टाइड सोलर क्वार्ट्ज वॉच का, जो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेज के साथ आता है, क्योंकि इस वॉच का केस और स्ट्रैप बना है ओशन बेस्ड रिसाइकल्ड प्लास्टिक फाइबर से। तो डेफिनेटली दिस इज अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक फॉसिल फॉर डूइंग सच थिंग। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू थिंक अबाउट आवर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान भी नहीं है। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको इस वॉच के बारे में सारे प्रोज बताने वाला हूँ, साथ साथ आपको इस वॉच का जितने भी कॉन्स है वो भी हाईलाइट कर देने वाला हूँ, ताकि अगर आप इस वॉच को लेने के बारे में सोच रहे हो तो यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, एंड आफ्टर यू ऑर्डर द वॉच एंड आफ्टर इट रीचेज यू देर इज नो रिग्रेट। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, पर उससे पहले हम लोग एक बार अनबॉक्सिंग देख लेंगे। इस वॉच में सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड है इसका मूवमेंट और बैटरी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस पे मियोटा 2170 सोलर मूवमेंट यूज किया गया है, और यही मूवमेंट आपको दिखता है एंट्री लेवल इको ड्राइव वॉचेस में। इस पे बैटरी के हिसाब से आपको पैनासोनिक के द्वारा बनाया गया मेड इन जापान MT621 बैटरी मिल जाता है, और ये 2170 मूवमेंट और MT621 बैटरी का कॉम्बिनेशन फुल चार्ज होने पर आपको 4 मंथ्स तक का पावर बैकअप प्रोवाइड करता है, यानी कि यू गेट 4 मंथ लॉन्ग पावर रिजर्व। और ये जो मूवमेंट और बैटरी है ये कम से कम 20 से 25 साल लास्ट करने के लिए बनाया गया है, बिकॉज इट कम्स विद कंप्लीट जापानीज टेक्नोलॉजी। और आपको पता है सिटीजन इज वन ऑफ द बेस्ट सोलर पैनल एंड सोलर मूवमेंट मैन्युफैक्चरर, सो यू आर गेटिंग कंप्लीट पीस ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट एंड द बैटरी। आपको एक बार इस वॉच को खरीदने के बाद रेगुलर इंटरवल में अगर आप इसको लाइट एक्सपोजर दे देते हो तो 20 से 25 साल इस पे आपको और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। After the movement and the battery, the next highlight is इसका जो selection of material है। दोस्तों हम लोगों को पता है कि आज के दिन में ocean pollution एक बड़ा सा threat बन के आ रहा है for the aquatic life, क्योंकि काफी सारे plastic waste जो है ओशन तक पहुंच जा रहा है, एंड दैट इज बेसिकली चोकिंग द ओशन। तो देयर आर मल्टीपल एनजीओस हु आर कलेक्टिंग ओशन बेस्ड प्लास्टिक्स एंड दे आर ट्राइंग टू रिसाइकल इट, एंड टाइमेक्स हैज रिसेंटली डन अ प्रोजेक्ट सेव द ओशन, और उस पर भी आपको सिमिलर फिलोसॉफी देखने को मिलता है। फॉसिल भी वही कर रहा है, दे आर बेसिकली कलेक्टिंग द ओशन बेस्ड वेस्ट मटेरियल, दे आर रिसाइकलिंग इट एंड यूजिंग द सेम प्लास्टिक टू मेक द केस एंड द स्ट्रैप। इस वॉच का जो केस डायमीटर है उसको 43.6 मिलीमीटर बनाया गया है। अगर आप फॉसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखोगे तो वहां पे 42 मिलीमीटर बताया जा रहा है, विच इज मिसलीडिंग। द केस आई हैव मेजर्ड इज एक्चुअली 43.6 मिलीमीटर एंड विथ क्राउन इट इज 47.4 मिलीमीटर। लक टू लक डिस्टेंस इज अबव 53 मिलीमीटर, तो आपके पास मिनिमम 6.5 इंचेस रिस्ट साइज होना चाहिए टू बी एबल टू कैरी दिस वॉच, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू अपीयर एज ओवरसाइज्ड वॉच। आप देख पा रहे हो मेरे रिस्ट है 7.5 इंचेस, और वॉच का रिस्ट प्रेजेंस का अंदाजा लगा सकते हो। केस हाइट आपको 13.5 मिलीमीटर मिल जाता है, ये ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक वॉच का जो केस हाइट है उसकी इक्विवेलेंट है। इसको मेरे हिसाब से और थोड़ा सा स्लिम बनाने का ऑप्शन था, क्योंकि इस मूवमेंट को फिट करने के लिए आपको इतना थिक केस का जरूरत नहीं पड़ता है, पर आई थिंक फॉसिल वॉज ट्राइंग टू गिव इट अ डाइवर्स लुक, क्योंकि इस केस में जो बेजल आपको दिखता है वो भी एक डाइवर्स स्टाइल बेजल ही है। ये केस आपके रिस्ट में ना तो बहुत लाइट फील होता है ना तो बहुत हैवी फील होता है,
एक रीजनेबल बिल्ड क्वालिटी का एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सिर्फ केस का मैंने अलग से वेट किया था तो 41 ग्राम्स के आसपास था, और इस केस में आई थिंक ये जो 41 ग्राम वेट है इसका मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, एक है इसका स्क्रू डाउन टाइप का स्टेनलेस स्टील केस बैक और दूसरा है इसका मूवमेंट एंड बैटरी विच इज रिलेटिवली हेवियर। अदरवाइज प्लास्टिक वॉच का जो केस है इट शुड आइडियली बी अराउंड 20 ग्राम्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट अ क्वालिटी मूवमेंट एंड अ केस बैक इज यूज्ड इन दिस वॉच। इस केस में आपको क्राउन मिलता है 3 o'clock पोजीशन में और केस क्राउन प्रोटेक्शन केस एक्सटेंशन के साथ आता है। बेजल 60 क्लिक रोटेटिंग बेजल है, कम्स विद डाइवर्स मार्किंग, 0 टू 15 मिनट्स तक आपको हर एक मिनट का मिनट मार्किंग दिख जाएगा और उसके बाद आपको हर 5 मिनट्स इंटरवल में मिनट मार्किंग दिखने वाला है। 60 क्लिक यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल विद क्लिक साउंड, पर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन है, आप इजीली इस बेजल को एज अ फिजिट टॉय यूज़ नहीं कर सकते हो, पर यू कैन डेफिनेटली यूज इट फॉर रिक्रिएशनल डाइविंग और स्विमिंग बिकॉज इट कम्स विथ 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। डायल के बारे में तो डेफिनेटली अलग से बात करना बनता है क्योंकि इस वॉच में जिस क्वालिटी का सोलर पैनल यूज हुआ है और जितने अच्छे से इस सोलर पैनल को डायल के ओवरऑल डिज़ाइन के साथ मर्ज किया गया है, जितना अच्छे से इसको हाइड किया गया है, ये सिर्फ सिटीजन ही कर सकता है। फॉसिल ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है दैट दे हैव प्रोक्योर्ड दिस डायल फ्रॉम सिटीजन, बट आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दैट सिटीजन के तरह इतना बढ़िया क्वालिटी का सोलर पैनल हाइड करना या फिर डिज़ाइन के साथ मर्ज करना और कोई भी ब्रांड का बस का बात नहीं है। वैसे ये जो सोलर पैनल आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा है और पूरा डायल को ऑलमोस्ट कवर कर ले रहा है, इट इज़ कमिंग विद अ 3D लुक। अगर आप पानी में एक ड्रॉप पानी और डालते हो तो जो वेवी पैटर्न क्रिएट होता है इस डायल में आपको वैसा ही 3D इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो देखने में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से या फिर डिफरेंट लाइट कंडीशन में दिस क्रिएट्स एन अमेजिंग विजुअल अपील, एंड ऑफ कोर्स इस पे डायल के लिए फुल मार्क्स आपको देना ही पड़ेगा। और एज बिकॉज दिस इज अ क्वाइट अ वाइड डायल तो बहुत ही कम लाइट एक्सपोजर से भी ये चार्ज हो सकता है, एंड आई थिंक दैट इज अ स्पेशलिटी अबाउट सिटीजन इको ड्राइव टेक्नोलॉजी जिसका झलक आपको इस वॉच में मिल रहा है। मैंने ये वाला वॉच ब्लू कलर में लिया है तो ऑफकोर्स डायल में ब्लू कलर ही आपको दिख रहा है, सोलर पैनल भी ब्लूइश कलर में ही आपको मिल जा रहा है। अगर मैं इंडाइसेस के बारे में बात करूं तो इंडाइसेस आर कॉपीड फ्रॉम सेको 5 स्पोर्ट्स SRPD रेंज जिसपे आपको अप्लाइड मेटेलिक इंडाइसेस विद लुमिनोसिटी मिल जाता है। ट्रायंगुलर इंडाइसेस आपको मिलता है 12 o'clock पोजीशन में, रेक्टेंगुलर इंडाइसेस 3, 6 और 9 o'clock पोजीशन में, और बाकी सारे जो इंडाइसेस है ये सर्कुलर है। आवर और मिनट हैंड शॉर्ट शेपेड है विद पॉइंटेड एंड, और स्नोफ्लेक टाइप का सेकेंड हैंड आपको मिल जाता है विद शॉर्ट शेपेड काउंटर बैलेंस। मिनट हैंड मिनट मार्कर को टच नहीं करता है, दिस इज वन ड्रॉबैक, पर सेकेंड हैंड जो है ये मिनट मार्कर को टच कर ले रहा है। फॉसिल का ब्रांडिंग आपको 12 o'clock पोजीशन में मिल रहा है और सोलर पावर्ड और 100 मीटर यानी कि 330 फीट वाटर रेजिस्टेंस ये 6 o'clock पोजीशन में मेंशन किया गया है। 6 o'clock आवर मार्कर के बिल्कुल साइड में आपको जापानीज मूवमेंट मेंशन किया गया दिख रहा है और व्हाइट कलर का मिनट मार्कर्स आपको ओवरऑल इनर बेजल में दिख जाता है। इस वॉच में आपको मिनरल ग्लास मिलता है विथ रीजनेबल रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी। आई डोंट रेट दिस वॉच ग्रेट एज रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी बट आई थिंक इट डज इट्स जॉब। क्राउन आपको 3 o'clock पोजीशन में मिलता है प्रोटेक्टेड बाय क्राउन प्रोटेक्टर केस एक्सटेंशन, और ये सिंपल पुल एंड पुश टाइप का क्राउन है और आप इस क्राउन को यूज करने वाले हो सिर्फ टाइम एडजस्ट करने के लिए। वैसे इस वॉच में डेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग द क्राउन फॉर एनी अदर पर्पस। क्राउन का साइज एंड ग्रिप में कोई कंप्लेन नहीं है, यू कैन इजिली ऑपरेट द क्राउन। केस बैक स्क्रू डाउन टाइप का है, स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है और इस पे हाई ग्लॉस फिनिश आपको मिल जाता है और इस पे जितने भी वॉर्डिंग्स है ये सारे लेजर एनग्रेव्ड है। फॉसिल का जो ब्रांडिंग, फॉसिल का मॉडल नंबर एंड ये जो ओशन बेस्ड रिसाइकल प्लास्टिक से बना है केस और स्ट्रैप, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको केस बैक में मिल रहा है। और केस का जो सेंटर है वहाँ पे एक प्लास्टिक का सर्कुलर डिस्क यूज़ किया गया है जिसपे हैशटैग टाइड ओशन मटेरियल मेंशन किया गया है, दैट इज़ बेसिकली ऑर्नामेंटेशन बिकॉज जब मैंने केस बैक को ओपन किया था तो दिस इज बेसिकली सॉलिड स्टेनलेस स्टील केस बैक, ऊपर से ये प्लास्टिक डिस्क को चिपकाया गया है। वाटर रेजिस्टेंस 100 मीटर मैं पहले ही बता चुका हूँ तो आप इस वॉच को स्विमिंग के लिए या फिर रिक्रिएशनल डाइविंग के लिए यूज़ कर सकते हो।
टॉकिंग अबाउट luminosity इज मीडियोकर, जो ग्लो और ड्यूरेशन दोनों ही काफी एवरेज है, और आज तक मुझे ऐसा कोई फॉसिल वॉच नहीं दिखा जिसपे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का luminosity मिलता है, तो आई डिड नॉट हैव अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन एज वेल। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैप, इस पे आपको फैब्रिक स्ट्रैप मिलता है विच इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक फाइबर, और ये नॉर्मल प्लास्टिक फाइबर नहीं है, ये रिसाइकल्ड ओशन बेस्ड प्लास्टिक फाइबर है विच कम्स विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज। मेरा रिस्ट है 7.5 inches और इस वॉच का रिस्ट प्रेजेंस आप मेरे रिस्ट पे देख ही सकते हो। आई रिकमेंड दैट आपके पास मिनिमम 6.5 inches रिस्ट साइज होना चाहिए टू बी एबल टू कैरी दिस वॉच प्रॉपरली। अगर आप oversized वॉच पहनना पसंद करते हो तो 6 inches रिस्ट पे भी चल जाएगा, बट अगर उससे छोटा है तो डेफिनेटली दिस वॉच इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि लैग टू लैग डिस्टेंस इज अबाव 53 mm। फॉसिल टाइड सोलर क्वार्ट्ज़ वॉच का ऑफिशियल MRP है 10,995 rupees, यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 rupees। इस वॉच को मैंने फॉसिल इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा था विद 70% डिस्काउंट, और मुझे पे करना पड़ा था 3,299 rupees, यानी कि 3,300 rupees, विच इज़ अ ग्रेट प्राइस फॉर द फीचर दिस वॉच इज कमिंग विद। पर आपको MRP पे डेफिनेटली मैं ये वॉच रेकमेंड नहीं करता हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग अबाव 60% डिस्काउंट या फिर 70% जैसे मुझे मिल पाया था, तो डेफिनेटली इज़ अ मस्ट बाई वॉच, क्योंकि आपको ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है। अगर मैं इस वॉच का जो पॉजिटिव साइड है उसके बारे में बात करूँ, दिस इज़ कमिंग विद अ ग्रेट पैकेज। इट कम्स विद एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज बिकॉज इट इज़ मेड विद ओशन बेस्ड रिसाइकल प्लास्टिक, तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी नाइस फील। अगर आप एनवायरमेंट कॉन्शियस पर्सन हो, आई थिंक वेन यू वेयर दिस वॉच एंड वेन समबडी इज आस्किंग यू अबाउट दिस वॉच एंड वेन यू से दैट यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज मेड विद रिसाइकल प्लास्टिक, तो डेफिनेटली इट शोज दैट यू केयर फॉर आवर प्लैनेट। इसके बाद इस वॉच का अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, तो इफ यू आर पिकिंग दिस वॉच अंडर 4,000 rupees, सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, और आपको जरा सा भी रिग्रेट नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वॉच में आपको सिटीजन मियोटा का 2170 सोलर मूवमेंट मिलता है। इस पे आपको MT621 पैनासोनिक जापानीज रिचार्जेबल सोलर बैटरी मिलता है, और इस पे आपको सिटीजन के द्वारा बनाया गया सोलर पैनल मिलता है ऑन द डायल विच इज ब्यूटिफुली मर्ज्ड विद द डिजाइन लैंग्वेज। यू गेट 4 months लॉन्ग पावर रिजर्व, तो आपको इस वॉच के लिए जरा सा भी मेंटेनेंस के बारे में सोचना नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 20 years ऑफ लाइफ। इस वॉच का जो मिस्मराइजिंग 3D इफेक्ट वाले डायल डिजाइन है, ये भी इस वॉच का एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइड है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वॉच में आपको मिनरल ग्लास मिलता है, इस पे प्लास्टिक ग्लास नहीं दिया गया है, और साथ साथ आपको 100 meter वाटर रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, जो आपको अलाउ करने वाला है टू स्विम वेयरिंग दिस वॉच, या फिर अगर आप इस वॉच के साथ रिक्रिएशनल डाइविंग करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, सबसे बड़ा नेगेटिव साइड है इस वॉच का MRP। 11,000 MRP इज डेफिनेटली नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर वॉच, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इफ यू आर एबल टू पिक दिस वॉच अंडर 4,000 rupees देन ओनली इट इज रिकमेंडेड, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अबाउट द डायमेंशन ऑफ दिस वॉच। हर जगह पे 42 mm बताया जा रहा है, पर जब मैं मेजर किया था सिर्फ डायल का 43.6 मुझे मिला, और विद क्राउन दिस इज अबव 47 mm, तो फॉसिल को डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए रिगार्डिंग द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज अदरवाइज रिटर्न बढ़ जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज डायल साइज, इस वॉच का डायल साइज अगर 40 mm या फिर उससे कम रखा जाता तो मेरे हिसाब से इट वुड हैव बीन एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द वॉच एंथुजियास्ट। अनदर टेक्निकल फैक्ट विच आई डिड नॉट क्वाइट लाइक अबाउट द ओवरऑल डिजाइन, इसका जो मिनट हैंड है उसको जरूरत से छोटा रखा गया है। मिनट हैंड आइडियली मिनट मार्कर को टच करना चाहिए, देन यू गेट अ कंप्लीट परफेक्ट प्रोडक्ट, बट इस पे मिनट हैंड और जो मिनट मार्कर्स है उस पे कुछ मिलीमीटर का फर्क है, विच आई डिड नॉट लाइक इट। बट इफ यू आर नॉट टू पिकी अबाउट दिस टेक्निकल एलिमेंट्स, यू कैन इग्नोर दिस फैक्ट एज वेल। फोर्थ पॉइंट इज luminosity. आई एम नॉट वेरी सैटिस्फाइड अबाउट द luminosity, बोथ ग्लो एंड ड्यूरेशन, एंड फॉसिल इज नॉट नोन फॉर द luminosity, पर मेरे ख्याल से अगर C3 सुपर लुमिनोवा यूज़ किया जाता तो इसको बड़े आसानी से फिक्स किया जा सकता था। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस केस इज मेड विद प्लास्टिक, भले ही ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हो पर है तो ये प्लास्टिक का ही है, तो ऑफकोर्स अगर आप रफ एंड टफ डेली यूज करने वाले हो, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट एज अ डेली बीटर, इस पे स्क्रैचेस आने का चांसेस रहता है। इट्स टाइम टू कंक्लूड, व्हेन आई कंपेयर द स्पेक्स, द प्राइस, द लुक एंड फील एंड द फीचर दिस वॉच इज कमिंग विद अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ एनालाइज करने के बाद,
I definitely feel that this is a highly recommended watch. If you are able to pick this up at under 4000 rupees, तो आपको इस वॉच कंसिडर करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए. अगर आप इस वॉच के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी थ्रू द सोशल मीडिया अकाउंट्स दैट आई रन. और अगर आप चाहते हो तो मेरा जो फेसबुक कम्युनिटी है, विच इज़ अ प्राइवेट कम्युनिटी, वॉच एंड मोर इंडिया फैमिली मेम्बर्स, वहाँ पे भी ज्वाइन करके लाइक माइंडेड वॉच कलेक्टर्स के साथ रियल टाइम बेसिस में जुड़े रह सकते हो. आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ द डिस्कशंस इन दैट ग्रुप एंड होप टू सी यू देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. उम्मीद करता हूँ फॉसिल टाइट सोलर क्वार्ट्स वॉच के बारे में मेरा जो ट्रांसपेरेंट ओपिनियन एनालिसिस एंड असेसमेंट है, आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद कर पाया होगा. अगर मेरा ये कोशिश आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्द मुलाकात होने वाला है एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ. तब तक के लिए मैं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती आपसे विदा लेता हूँ. टेक केयर एंड सी यू सून.